बॉलीवुड इंडस्ट्री में साल 2020 भले ही बहुत मुश्किलों भरा रहा हो, लेकिन 2021 की शुरुआत हो गई है और उम्मीद की जा रही है 2021 सबसे खास और खूबसूरत हो ये साल बॉलीवुड के लिए। खैर, इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि साल की शुरुआत में ही आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि बेबी आने वाला है अनुष्का और विराट के घर। जी हाँ, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के प्यारे से नन्हे से बच्चे का जन्म होने वाला है और कुछ दिनों का समय रह गया है, डिलीवरी होने वाला है अनुष्का शर्मा का। ऐसे में अनुष्का की डिलीवरी से पहले जब उन्होंने कुछ फोटो शूट कराए तो उनसे कई सवाल भी किए गए। आज खूबसूरती के साथ प्रेगनेंसी ग्लो शेयर करने वाली अनुष्का, जो वॉग मैगजीन के कवर पेज पर जनवरी की स्टार बन चुकी हैं, उनका बॉलीवुड में ये सफ़र इतना आसान नहीं था। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए इमोशंस जाहिर किए और मालूम चला है कि रानी मुखर्जी के हस्बैंड यानी कि यशराज फिल्म्स के ऑनर यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था एम्बेरेस अनुष्का शर्मा को जाने अनजाने में, जिसकी वजह से काफ़ी एम्बेरेस्ड अनुष्का बहुत हैरान रह गई थी। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में अनुष्का शर्मा ने कहा कि उनके चेहरे को लेकर रानी मुखर्जी के हस्बैंड आदित्य चोपड़ा की कमेंट काफ़ी अलग थे। ऑडिशन की बात है ये, फिल्मों में शुरुआत करियर के दौरान की बात है ये। मॉडलिंग के ज़माने में अनुष्का ने तो रैंप पर खूब कहर ढाया, लेकिन जब बॉलीवुड में आने की बात हुई, उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग और शानदार उनका दिमाग तो पसंद आया आदित्य चोपड़ा को, लेकिन उनके चेहरे को लेकर आदित्य का कहना था कि तुम इतनी ज़्यादा दिखने में सुंदर नहीं हो, इसलिए तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर अनुष्का शर्मा काफ़ी तकलीफ में रही थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।